जांजगीर चांपा कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने अवैध प्लॉटिंग एवं अवैध कॉलोनी निर्माण को रोकने और कार्यवाही किए जाने हेतु जांच दल का गठन किया है, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार और सहायक संचालक को सदस्य बनाया गया है। जानकारी के अनुसार अवैध प्लॉटिंग की शिकायत कुछ दिनों पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया से की गई थी। मंत्री ने नगरपालिका के सीएमओ को मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदारों को कार्रवाई और जांच दल गठित करने के निर्देश दिए हैं। कुछ शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त हुई थी, जिस पर जिला प्रशासन के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में एसडीएम से तहसीलदार, सहायक संचालक, नगर निवेश और सीएमओ लोगों को रखा गया है। अभी उनसे रिपोर्ट अप्राप्त है। रिपोर्ट जैसी प्राप्त होती कि जिले में हकीकत में अवैध प्लाटिंग का कारोबार हो रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।